पहले आप ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, सो बी रेडी, कंसंट्रेशन से बैठें, रिलैक्स होकर एंड कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, समझने की कोशिश करें, तब समझ में आएगा जब आप कंसंट्रेशन से समझेंगे। ठीक है गाइस, मैं जस्ट लाइक ए गेम, गेम की तरह खेलें एंड कंसंट्रेशन से बैठें। ओके गाइस, रेडी हैं? ओके, समझते हैं प्रॉब्लम को, क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगर कल की क्लास में आपने प्रॉब्लम समझा है, सीखा है, तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल इजी लगेगा। फिर भी रीड आउट करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये के है नीचे जितना भी पार्ट से हर इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन जो है दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, इक्वेशन जो होंगे रूट्स जो वो इक्वल है। ठीक, अब देखिए रूट्स इक्वल तो मीन्स रूट्स की नेचर की बात कर रहा है। सही है, आ रही बात समझ में? क्वेश्चन को बेस्ट वर्ड बाय वर्ड पहले समझिए तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि k की वैल्यू तो फाइंड करें, ठीक है इक्वेशंस की, मगर जो इक्वेशन जिस इक्वेशन के k की वैल्यू फाइंड करनी है उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इक्वल रूट्स हैं। सही है, तो रूट्स इक्वल है तो मींस रूट्स के नेचर की बात हो रही है। तो रूट्स के नेचर जो है वो हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, फाइंड आउट करते हैं? तो रूट की नेचर फाइंड करने के लिए हमने ये सीखा है कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे। सही है, अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझिए। सॉल्यूशन इक्वेशन है 9y² + ky + 16 = 0। तो ये हमारे पास सिंपली एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में k जो मौजूद है उस k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल y में तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स इक्वल है, मींस रूट्स के नेचर की बात हो रही है। तो नेचर की बात हो रही है तो यहां पर हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला की हेल्प से हम रूट्स के नेचर डिटरमाइन कर रहे थे, तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है क्या? इसके फॉर्मूला है d इक्वल्स टू b² - 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक, d इक्वल्स टू b² - 4ac। अब इस फार्मूला में a, b एंड c टर्म्स यूज हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कहां से हम लें? सही है, तो उनकी वैल्यू हम लिखेंगे, ये है वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। तो वैल्यू ऑफ a मींस जो वेरिएबल यहां पर यूज हो रहा है वो वेरिएबल है y, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो वैल्यू ऑफ a, y वेरिएबल का कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ b एंड c मींस कांस्टेंट टर्म दैट इज 16 c की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की इक्वेशन से, अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूला में एंड देन सिंपलीफाई करेंगे। तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू k स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a इज 9 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ c इज 16। जस्ट वैल्यूज लिखी है a, b एंड c की वैल्यूज को। अब तो d equals to k square minus इन नंबर्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर आप दबा सकते हैं, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें 64 मल्टीप्लाई बाय 9 से निकला, 4 मल्टीप्लाई 16 से तो हो गया 64 मल्टीप्लाई बाय 9 से। ठीक है, तो 9 से 9 4 जा 36, 96 जा 56, 59, 596। सही है, तो ये आया आंसर की मल्टीप्लिकेशन का 596। ठीक,
सो के स्क्वायर माइनस 596 सिंपली है। तो अब देखिए इसमें क्या करें, साइन पे लिखते हैं क्या है, डी जो है इक्वल टू जीरो के, इक्वल टू जीरो के क्यों, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि जो रूट्स है वो इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब ये है उसका डी जो डिस्क्रिमिनेंट टर्म है उसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो होती है। सही है, यहाँ पर साइड में लिखा भी है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में मतलब कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो दैट्स व्हाई डी इक्वल टू जीरो, तो डी की जगह पे जीरो लिखेंगे इक्वल टू ये के स्क्वायर माइनस 596। सेवेंसी फ्रॉम को के स्क्वायर माइनस 596 इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, डीएच क्या है। अब के फाइंड करना है तो के स्क्वायर के साथ 596 माइनस भी है, शिफ्ट करें उस साइड पे ताकि के वाला फैक्टर आजाद हो जाए एंड इजीली हम फाइंड कर सकें। तो ये साइड में नेगेटिव टर्म है, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब के फाइंड करना है तो के में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तभी के की वैल्यू मिलेगी, तो स्क्वायर कैसे हटाएंगे हम, स्क्वायर हटाना तो हम करेंगे बाय स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टेक आउट करेंगे ताकि इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए, सो के स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया इक्वल्स टू 596 पे भी स्क्वायर रूट आ गया, सही है, जस्ट स्क्वायर रूट टेक आउट किया ऑन बोथ साइड। अब सिंपलीफाई करेंगे सो अब के स्क्वायर इसका उसे कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 596 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा इसका कल स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर आपके पास है देखें, 596 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आपको आ रहा है, तो 596 का स्क्वायर रूट आ रहा है 24 प्लस माइनस में, ये है वैल्यू आपके रिक्वायर्ड। तो देखिए प्लस माइनस लगा दिया क्योंकि अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट से आजाद होगा तो साइड जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसके आगे प्लस माइनस साइन दी जाएगी, सही है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, सिंपल हो गया, सिंपल था, कोई भी लेंथी प्रोसेस नहीं है। जब कोई क्वेश्चन दी हुई थी उसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज किया है, डिस्क्रिमिनेंट क्यों किया है अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रूट्स की नेचर बता रहा है, तो अगर रूट्स की नेचर की बात चल रही हो क्वेश्चन में तो मीन्स वहाँ पर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज कर, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व किया, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ के इज आपके सामने प्लस माइनस 24, ठीक है, समझ में जरूर आ गया, उम्मीद करता अगर नहीं भी समझ में आया तो अगेन अगेन आप प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।